हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशन दे दिए गए हैं, उनका रूट्स निकालना है। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि इस मेथड का यूज करो या उस मेथड का यूज करो, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है, जो आपको आसान लगता है, उस मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आप मेरा पूछेगा तो मेरा फेवरेट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं आपको उसी से सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको कोई और मेथड पसंद है तो आप उससे घर बैठे सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन दिया गया है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, जहाँ एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 1 है, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भैया, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। तो पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स के नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 है। एक्स और 1 का एलसीएम हो गया एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, 1 इक्वल्स टू ये 3। अब देखिए ये एक्स डिवाइड में इक्वल के इधर आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स इंटू 3, 3x। अब इस 3x को इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए इक्वेशन को, इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 2 है, इट मीन्स हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बोलिए क्या होता है। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, तो आप इक्वेशन देखिए, यहाँ से हमें ए बी और सी मिलेगा ना, ए बी और सी का वैल्यू हमें चाहिए, तो वो मिलेगा इक्वेशन से। तो देखिए ए हम किसे बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को, यानी कि 1। बी एक्स का कोफिशियंट जो कि है माइनस का 3, और सी जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस का 1। अब वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो पुट करो एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ये क्या है 1 इंटू सी है माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू, यहां पर इंटू नहीं, यहां पर माइनस का साइन होगा ना, माइनस। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 वन जा 4 4 वन जा 4 4 अपॉन 2 वन जा 2। सो एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 हो गया 13 अपॉन 2। अब देखिए क्या और सॉल्व होगा, 13 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, तो फिर और सॉल्व नहीं होगा। तो x को एक बार हम 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो हम दोनों को अलग कर देंगे। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, यही है हमारा रूट्स। ओके चलिए, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड वाला इक्वेशन देखिए, हमें दिया गया है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30।
देखिए फ्रैक्शन में दे दिया इक्वेशन, तो इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है, हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा बोलो? इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन। एलसीएम यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वन को इससे तो ये हो गया एक्स माइनस सेवन, फिर इस वन को इससे, सो माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू ये 11/30 एज इट इज। नाउ ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस सेवन माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस फोर अपॉन, नीचे में देखिए मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू सेवन, सेवन एक्स प्लस 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 फोर इंटू एक्स, फोर एक्स प्लस माइनस माइनस 4 7 28 इक्वल्स टू 11/30। ओके अब देखिए ऊपर में ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x में 4x माइनस कीजिए हो गया 3x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, और ये -28 इक्वल्स टू 11/30। अब ज़रा देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 11 है और इक्वल के इधर भी न्यूमरेटर में 11 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 11 11 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 1 ये माइनस साइन, 30 × 1 30 इक्वल्स टू दिस इंटू वन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, यही हो जाएगा। अब इस 30 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस का 30 था, इक्वल के इधर ले आए तो प्लस का 30 हो गया इक्वल्स टू 0, इधर 0 बच गया। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 30 में 28 माइनस करेंगे हो जाएगा 2, बड़ा कौन है 30, प्लस के साथ है तो प्लस इक्वल्स टू 0, सही है। चलिए हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी मैं फॉर्मूला को बोलता हूँ तो आप लोग भी मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, इससे वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठेगा। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस बी, चलिए पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, ए क्या होगा, ए होगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, बी होगा जो एक्स का कोफिशियंट है माइनस का 3, और सी होगा जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी 2। नाउ वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो ये हो गया माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है 2 अपॉन 2 × 1। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 4 × 8 अपौन 2 × 1 = 2। सो एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे हो गया 1/2। अब देखिए वन किसका स्क्वायर होता है भैया, वन का ही होता है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1/2, क्योंकि वन किसका स्क्वायर होता है, वन का होता है। नाउ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2, एक बार प्लस का साइन के साथ और एक बार एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2 माइनस के साइन के साथ, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो गया 4/2
यहाँ से एक्स का वैल्यू हो गया 2/2, कैंसल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया 1। ओके, तो एक रूट निकला 2 और एक रूट निकला 1, यही है हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए बोलता है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। देखिए एक रहमान नाम का लड़का है जिसके एज का रेसिप्रोकल यानी एज जो भी है उसको रेसिप्रोकल करो, यानी नीचे जो नंबर होगा वो ऊपर, ऊपर जो नंबर होगा नीचे, या बोलो उसको पलट देना है। तो एज का रेसिप्रोकल है 3 साल पहले का और 5 साल बाद का 1/3। फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो हमें बताना है उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है हम प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करके चलते हैं। सो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। तो हमने ये मान लिया कि रहमान का प्रेजेंट एज है एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 साल पहले का बात, तो 3 साल पहले का एज निकालते हैं। एज ऑफ रहमान 3 ईयर्स एगो। बोलिए क्या हो जाएगा, उसका प्रेजेंट एज है एक्स, तो 3 साल पहले यानी 3 माइनस कर देना होगा, इतना साल होगा। नाउ एज ऑफ रहमान 5 ईयर्स, क्या बोला है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद का बात कर रहा है, प्रेजेंट एज है एक्स, तो इसमें 5 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा एक्स प्लस 5 ईयर्स, निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि 3 साल पहले का जो एज था उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद जो होगा उसका रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। सम मतलब दोनों को ऐड करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कर दो रेसिप्रोकल, ये हो गया एक्स माइनस 3 और ये हो गया 1/x+5। रेसिप्रोकल का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो अब पलट देंगे, ये नीचे ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। देखिए नीचे में 1 था, ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया एक्स माइनस 3। दोनों का सम बोला है तो बीच में ऐड का साइन लगाना है, इक्वल्स टू 1/3, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका और एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 × x+5 x+5 प्लस 1 × x-3 हो जाएगा x-3। यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप ब्रैकेट लगाओ या फिर नहीं लगाओ, लेकिन जब यहाँ माइनस का साइन होगा तो हमेशा यहाँ आपको ब्रैकेट डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू 1/3। अब सॉल्व कीजिए, देखिए ये प्लस एक्स हो गया 2x, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस कीजिए हो जाएगा 2, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस। अब इसे इसे मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 5 5x, माइनस प्लस माइनस 3 × x 3x, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 इक्वल्स टू 1/3। देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 को इससे और इसको 1 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू दिस इंटू 1 हो गया
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू ओ, यहाँ पर इक्वल बीच में लग गया ना। चलिए 6x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 5x में 3x माइनस कीजिए हो जाएगा 2x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस माइनस 15। अब इन सबको इधर ले आइए, आया इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा और माइनस में हमें चाहिए नहीं, तो इन दोनों को हम इक्वल के इधर ले आएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6, ये प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6। चलिए ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 में 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, और ये x ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस 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 प्लस 6 एंड 15 हो जाएगा 21, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा रूट्स निकल जाएगा या बोलो एज निकल जाएगा। चलिए किससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। अब वैल्यूज को पुट करना है, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशियंट, b का वैल्यू x का कोफिशियंट जो कि है माइनस का 4, और c का वैल्यू हो गया कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 21। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस बी है माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ac नहीं, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है माइनस का 21 अपॉन 2 इंटू 1। सो एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 4 वन ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 यही हो जाएगा अपॉन 20 2 इंटू 1 2। सो एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 84 में 16 एज कीजिए, 6 और 4 हो गया 10, 8 और 1 हो गया 9 और 1 हो गया 10, 100 अपॉन 2। सो एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 100 किसका स्क्वायर होता है बोलिए, 10 का होता है अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू एक बार प्लस के साथ लिखेंगे प्लस 10 अपॉन 2, और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे 4 माइनस 10 अपॉन 2। तो देखिए 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, सो x का वैल्यू आ गया 7। यहाँ पर माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस 10 में 4 माइनस कीजिए हो जाएगा 6, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस अपॉन 2 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये हो गया माइनस का 3। अब आप लोग को ये बताना है कि क्या किसी का भी एज माइनस में हो सकता है, बोलिए पैदा होने से पहले का एज तो नहीं ना बोल सकते हैं, तो माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इट मीन्स ये वाला तो वैल्यू नहीं होगा, तो फिर उसका एज क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स एंड the present as of Rahman equals to 7
यस ओके चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए बोला जा रहा है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली नाम की एक लड़की है जिसका मैथ और इंग्लिश का मार्क्स दोनों को मिला दिया जाए तो 30 होगा। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उस लड़की को 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिल जाता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तब मार्क्स का जो प्रोडक्ट है यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए, वुड हैव बीन 210, तो वो 210 होगा। फाइंड हर मार्क्स इन दी टू सब्जेक्ट, तो हमें बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो जो निकालने के लिए बोला गया है उसी को एज्यूम करेंगे। लेट मार्क्स, या बोलो हर मार्क्स, ओके शेफाली का मार्क्स है, हर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए हमने मान लिया कि शेफाली का, मान लो एक्स नंबर आया था मैथ में, तो बोलिए इंग्लिश में कितना नंबर आएगा। हर मार्क्स इन इंग्लिश, अगर मैथ में एक्स मार्क्स मिला है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा। हमें दिया गया है दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल यानी सम, तो सम दिया गया है 30। 30 में हम मैथ का जो मार्क्स था उसे माइनस कर देंगे तो इंग्लिश का मार्क्स मिल जाएगा, तो इतना मार्क्स मिला उसको इंग्लिश में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि अगर मैथ में उस लड़की को 2 मार्क्स ज्यादा मिलते, यही बोला गया है। हाँ, अगर उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिलते मैथ में, अभी एक्स है, अगर उसे एक्स ना मिलके 2x मिला होता, 2x नहीं ज्यादा बोला है ना, तो दो नंबर ऐड करना होगा, एक्स प्लस 2 मिला होता, एक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिला होता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिला होता। अभी का मार्क्स है 30 माइनस x, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 3 मार्क्स कम हो जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 210 के बराबर। ऐसा ही क्वेश्चन में बोला गया है। जब भी लैंग्वेज आता है उसे आपको अपने तरफ से तोड़ मरोड़ के जो मतलब का चीज़ है वो निकालना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में इस तरह से बोला गया है, इस तरह का स्टेटमेंट है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 2। देखिए 30 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। नाउ अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भैया, एक्स इंटू 27, 27x प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 2 इंटू 27 कितना होगा, 27 दुना होता है 54 यानी 54, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x, 2x इक्वल्स टू 210। अब देखिए ये है 27x, ये है 2x, प्लस माइनस माइनस 27 में 2 माइनस कीजिए हो गया 25, और ये x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, ये जो 210 है इक्वल के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 210 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अरेंज कर देते हैं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पावर सबसे पहले, उसके बाद उसका छोटा पावर उससे जो कि है 25x, उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 210 में 54 माइनस कीजिए, 10 माइनस 4 हो गया 6, यहाँ पर हो गया 10 में 5 हो जाएगा 5, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1, ये बड़ा है माइनस के साथ तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू 0। अब देखिए
ये एक्स स्क्वायर माइनस में, माइनस में तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का -25x, और ये माइनस का +156 इक्वल्स टू जीरो। चलिए अब हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड्स। ओके देखिए 156 इसे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के साथ, तो 156 इंटू 156, 156 का निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया 27 जा 14, 28 जा 16, 23 जा 6, 29 जा 18, 21 जा 2, 2 से कैंसिल नहीं होगा, अब ये कैंसिल होगा 13, 3 जा, ठीक है, और तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आ गया 2 × 2 × 13 × 3। अबे हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिसे या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा और 25 लेकर आना होगा। बोलिए क्या होगा वो दो नंबर, वो दो नंबर हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 13 और 12 को ऐड कर देंगे हो जाएगा 25। ओके तो दो नंबर हो गया 13 + 3 × 6, 6 × 12 इक्वल्स टू 25, यही नंबर होगा भी 13 और 12 भी होगा। चलिए इसका यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं, तो दो नंबर आपको याद रखना है 13 और 12। चलिए यही लिख देता हूँ 13 + 12 इक्वल्स टू 25। अब सॉल्व करेंगे इसे, देखिए यह है एक्स स्क्वायर माइनस, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, तो अब 25x को हम स्प्लिट करेंगे दो, क्या हम स्प्लिट करेंगे 13x और 12x में, दोनों को ऐड करना है, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13x + 12x हो गया 25x + 156 इक्वल्स टू जीरो। अब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पर एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बचा एक्स माइनस 13, यहाँ ये माइनस का साइन, अब इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया एक्स, यहाँ माइनस है ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस, 156 में 12 बाहर आ गया तो यहाँ हो गया 13 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 13 को हमने कॉमन ले लिया इक्वल्स टू जीरो। एक बार एक्स माइनस 13 को जीरो के साथ कंपेयर कीजिए, एक बार एक्स माइनस 12 को, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 13 और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 12। अब बोलिए मैथ में या फिर इंग्लिश में 13 या 12 कुछ भी नंबर हो सकता है भैया, तो दोनों ही वैल्यूज हम लेंगे, लास्ट में लिखना है हैंस, इफ अगर मैथ में 13 नंबर आता है, इफ मैथ में 13 नंबर आता है तो बोलिए इंग्लिश में कितना आएगा, इंग्लिश में आएगा 30 - 13 इक्वल्स टू 17 मार्क्स, 10 में 3 7, 2 में 1 1। ओके और अगर ठीक है, या फिर मैथ में 13 हो गया 12 नंबर आए, मैथ में अगर 12 नंबर आए तो इंग्लिश में कितना नंबर होगा, इंग्लिश में हो जाएगा 13 - 12 यानी कि 18। तो ये दोनों कंडीशन में, या तो मैथ का 13 होगा तब इंग्लिश का 17 होगा, या फिर मैथ का 12 होगा तब इंग्लिश का 18 होगा, यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।